हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य शूटर। आज मैं आप लोगों को क्लास टेंथ का चैप्टर जीव जनन कैसे करते हैं बायोलॉजी से पढ़ाने जा रहा हूँ। अभी तक मैंने 3 वीडियो पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। तो जाइए आप लोग पहले उस वीडियो को देखिए, फिर ये पार्ट नंबर 4 को देखिए। आप चाहे किसी भी बोर्ड को आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। चाहे आप बिहार बोर्ड हो, चाहे CBSE बोर्ड हो या फिर ICSE बोर्ड की हूँ। कारण ये है कि मैं हिंदी में आप लोगों को बताने की कोशिश किया हूँ। अगर किसी को इंग्लिश में प्रॉब्लम आती हो तो हिंदी में समझ सकता है, और अगर हिंदी में प्रॉब्लम आती है तो फिर मुझे कमेंट में बताएं, मैं फिर से इंग्लिश में बनाने की कोशिश करूँगा। आइए 2 लाइन मोटिवेशन के साथ शुरू करते हैं। बेहतर से बेहतर तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाते हैं शीशे पत्थरों की चोट से, तोड़ते पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। चलिए अब चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगले वीडियो में हमने बताया था कि फूल के 4 भाग होते हैं, बाह दलपुंज, दलपुंज, पुमंग एवं जयांग। और दूसरा चीज़ ये हमने आपको कल बताया था कि फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी के अंतर्गत आता है। तो चलिए आज मैं आप लोगों को सिर्फ एक पॉइंट बाह दलपुंज के बारे में बताऊँगा। चलिए, हमने एक छोटा सा चित्र एक दीदी से कहकर बनवाया है। सो अगर आप लोगों को चित्र अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा। यह है हमारा चित्र। देखिए पहले, सबसे पहले चित्र, और चित्र के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये एक यहाँ पे मतलब पुष्प खिलने के थ्रू में है, तो इसको हम लोग कहते हैं वर्तिकाग्र, और नीचे वाले इस वाले पार्ट को कहते हैं वर्तिका। और आइए, ये जो हमारा ऊपर वाला पार्ट है इसको मैं बोलूँगा पराग कोष, यानी जो ये वाला हल्का सा जो मतलब गोला टाइप का है इसको मैं बोल दूँगा पराग कोष। और फिर यहाँ पे जो हमारा ये वाला डंठल टाइप का पार्ट है इसको मैं बोलूँगा तंतु। और दूसरा चीज़, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि ये हमने पुकेसर लिखा हुआ है, पुकेसर, देखिएगा ध्यान से, तो यहाँ पे हमने पुकेसर लिखा है। तो देखिए, पराग कोष और तंतु के बीच में ये पुकेसर होता है। आगे चलिए, इस वाले पार्ट को जो यहाँ पे ये जा रहा है ना, ये नीचे और ये ऊपर जा रहा है, इसको मैं बोलूँगा दल, या फिर दल को हम लोग बोलते हैं पंखुड़ी, और पंखुड़ी आप लोग देहात वाली भाषा में जानते ही होंगे। यहाँ पे आइए, इसको बोला जाता है बाह दल, यानी इसी के तो बारे में हमें पढ़ना है, बाह दल। ये वाला पार्ट हमारा हो जाएगा बीजाणु, और ये हमारा हो जाएगा अंडाशय। यहाँ पे हमारा है पुष्पासन, और ये है हमारा वृत्त। देखिए, अभी तक में हमें 2 पॉइंट आपके बुक से नहीं मिल रहा था, मतलब हमने बहुत पढ़ने की कोशिश की बट नहीं मिला। ये 2 पॉइंट ये था, एक था पुष्पासन और एक था वृत्त, यानी दोनों ये आपके बुक में नहीं है, ये अपने से बनाया गया है। यहाँ पर हमारा होता है पुष्पासन और ये हमारा है वृत्त। अब देखिए, वृत्त क्या होता है, तो देखेंगे ना कि जब फूल खिलता है तो वहाँ पे एक छोटा सा सपोर्ट टाइप का आता है, उसी को हम लोग बोलते हैं वृत्त। चलिए हम लोग एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हमारा है बाह दलपुंज, यानी अभी हमने आपको बताने की कोशिश किया था कि फूल के 4 भाग होते हैं, बाह दलपुंज, दलपुंज और पुमंग, या एक होता है हमारा जयांग, जिसमें से मैं आपको पढ़ाऊँगा इसके बारे में आज, क्योंकि आज मेरे पास थोड़ा टाइम कम है, मुझे अभी फ़िलहाल कुछ और काम है, इसलिए आज सिर्फ एक पॉइंट को पढ़ा देता हूँ, बाह दलपुंज को। तो यहाँ पे देखिए, बाह दलपुंज किसको कहा जाता है, तो पुष्प जब कली अवस्था में रहता है, यानी पुष्प जब कली अवस्था में रहता है। अब देखिए, यहाँ पे आप कली के बारे में समझ रहे होंगे, यानी पुष्प अभी पूरा खिला नहीं रहता है, मतलब फूल नहीं हुआ रहता है, तब इसे बाहर से कवर कर के रखता है। यानी देखिए, बाह दलपुंज किसको कहते हैं, तो जब पुष्प कली अवस्था में रहता है तब इसे बाहर से कवर करके रखता है। कौन रखता है? बाह दलपुंज। यहाँ पे देखिए, अभी मैं चाहे आप CBSE बोर्ड से हों, चाहे ICSE बोर्ड से हों, चाहे आप बिहार बोर्ड से हैं, तीनों बोर्डों में ये सवाल पूछा जा सकता है कि जो हमारा पुष्प होता है जिस समय छोटा रहता है, यानी कली के रूप में रहता है, तो उसको कवर करके कौन रखता है? तो आप लोग बता सकते हैं, बाह दलपुंज रखता है। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्लीज़ शेयर। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।